नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से। आपका स्वागत करता हूं इस YouTube वीडियो ट्यूटोरियल में। ये जो रिकॉर्डिंग है हमारी, ये ऑनलाइन क्लासेस की रिकॉर्डिंग है जो कि डेली बेस पे ले आती है। सुबह के 8 बजे हैं और हम अभी क्लास बीबीए माइक्रो की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे अपलोड होने वाले वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। ये हमारी लाइव क्लासेस हैं, कुछ बच्चे ज्वाइन करने वाले हैं इस गोटू मीटिंग सॉफ्टवेयर से अपने घर पे, और मेरे साथ लाइव कनेक्ट होंगे और अपने डाउट्स हर चीज क्लियर करेंगे। तो आप भी अगर मेरे साथ लेना चाहते हैं तो आप डेमो के तौर पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो डेमो के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जाइए और डेमो क्लासेस का फॉर्म भर दीजिए। एक दो क्लास डेमो आपको हम दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सचिन जी, संदीप जी और सम्मा जी, लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कंडीशंस। मैंने बताया था कि आप किस तरीके से कंडीशंस का इस्तेमाल करते हो, राइट? यस सर। अब कंडीशन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है डेटा टाइप। हम डेटा टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके सर। ठीक है। यस। डेटा टाइप बीबीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में आज का टॉपिक है हमारा डेटा टाइप। सबसे पहले हम जानते हैं डेटा टाइप का इस्तेमाल क्यों होता है। पहले इस चीज को हम समझे कि हम डेटा टाइप का इस्तेमाल क्यों करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि आप लोग ने देखा होगा तो बहुत से जगह पहले डेटा टाइप का होता क्या है, तो बहुत सारे जगहों पे देखा होगा इंटरनेट पे भी या मुझे भी कि हम लोग कहते हैं डिम आई एज ए इंटीजर डिफाइन कर देता है। तो ये आई क्यों करते हैं क्या, या फिर आपने देखा होगा कि ऐसे हम लिख दिया एम इक्वल टू 20 लिख देते थे कि एम है क्या। तो अगर इसको हम मैथमेटिकल कंसेप्ट से जोड़े तो आप लोगों को याद होगा जब आप लोग पढ़ते थे मैथ तो आप लोग ऐसे ही आप लोग एक्स वाई जेड ए बी सी डी इस तरह से कुछ आप लेते थे, याद है? यस सर। तो 10 लाइक क्यों लेते थे, कांस्टेंट होता था ना? यस सर। तो सेम उसी तरह से यहां पर है कि अगर आपको इसके अंदर एक्सेल के अंदर कोई वेरिएबल्स कोई भी वैल्यू स्टोर करना, मान लीजिए मुझे जो है ना कैलकुलेशन करना है कि 20 प्लस 30, तो मैं यहाँ पे 20 प्लस 30 लिख दूंगा, लेकिन 20 प्लस 30 स्टोर उसका रिजल्ट जो है वो स्टोर कहाँ हो, राइट? यस सर। तो स्टोर करने के लिए कि भाई ये स्टोर कहाँ होगा, उसके लिए हम लोग एक वेरिएबल्स लेते हैं यहाँ पे। अगर वेरिएबल्स ना ले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें लिखना पड़ेगा कि रेंज A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू। तो अब प्रॉब्लम ये है कि रेंज A1 हमेशा इसके लिए क्लियर रखना पड़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम इसको बाहर इस पे एक्सेल पे नहीं रखना चाहते। समझ गए? यस सर। तो हम चाहते हैं कि अंदर ही अंदर है। तो उस लिए यहां पे हम एम देते हैं। तो एम जो हमने डिफाइन किया ये क्या है कि एक ए है, मतलब कि एक टेम्पररी सेविंग लोकेशन है, एक टेम्पररी सेविंग लोकेशन है तो अब इसमें ये तो हमने एम लिख दिया, लेकिन हम लोग तो डिफाइन करते थे कि डिम
एम एज इंटीजर, माफ कीजिएगा इसको पहले डिफाइन करना होता है इंटीजर। डिफाइन क्यों करते हैं? देखिए इसका एक कास्टिंग होता है। कास्टिंग मतलब कि कौन सा जो है कौन सी वैल्यू किस पे स्टोर होगी, समझ गए? कास्टिंग कर देने से, मैंने कास्टिंग कर दी इंटीजर, अब मैं एम इक्वल टू कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट को स्टोर नहीं कर सकता, क्योंकि इसका कास्टिंग क्या हो गया, टाइप क्या हो गया, इसका टाइप हो गया सिर्फ नंबर का, वो भी इंटीजर का। अगर मैं यहां पे डेसिमल डालूंगा तो डेसिमल भी इग्नोर कर देगा। तो वैलिडेट करने के लिए कि हम जो चाहें वही एंट्री हो, उस केस उस चीज कर मतलब उस चीज के लिए हम लोग वेरिएबल्स डिजाइन करते हैं। ठीक है? यस सर। तो वेरिएबल्स का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं। तो कितने तरह के वेरिएबल्स हैं और उसका क्या लिंक है, चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम कितने का वेरिएबल देते, देखिए इसके टाइप है। तो एक सबसे सबसे छोटा होता है उसको बोलते हैं डिम, जैसे एम एज ए बाई, उसके बाद इंटीजर आता है, उसके बाद आता है डिम एम एज ए लॉन्ग कर सकते हैं लॉन्ग, उसके बाद आता है डिम एम एज ए डबल। तो चार डेटा टाइप है। तो ये मैंने सेम नाम से दिया है, लेकिन आप जो है सेम नाम से नहीं कीजिएगा, क्योंकि सेम नाम का नहीं रखता है। ठीक है? यस सर। तो सेम नाम से बदल दीजिएगा। तो बाइट जो है ये क्या करता है कि m इक्वल टू 0 to 255 नंबर्स को ये स्टोर करता है। अगर 255 से ऊपर अगर आप डालते हो तो ये दिखाएगा आपको ओवरलैप। ठीक है ना? ओवरफ्लो, माफ कीजिए ओवरफ्लो। तो इससे ज्यादा नहीं डाल सकते इंटीजर में आप जो है, और इसमें माइनस भी नहीं डाल सकते, बट इंटीजर में आप -32,000 से +32,000 और प्लस डाल सकते, लेकिन यहां भी डेसिमल्स आप नहीं डाल सकते। क्लियर है? यहां भी आप डेसिमल्स को नहीं डाल सकते। फिर लॉन्ग में क्या है कि आप करोड़ों में नंबर डाल सकते हैं, लेकिन माइनस एंड प्लस दोनों में, बट डेसिमल्स आप यहां भी नहीं डाल सकते। ठीक है सर? यस सर। लॉन्ग में आप जो है सबसे बड़ा नंबर है, लॉन्ग जो है सबसे बड़ा नंबर है, और इसमें डेसिमल्स भी हम डाल सकते हैं। ठीक है सर? में डेसिमल डाल सकते हैं ना? हाँ सर, डबल डबल माफ कीजिएगा, डबल जो है सबसे बड़ा नंबर है, और इसमें हम डेसिमल्स भी डाल सकते हैं, माइनस प्लस सब कुछ डाल सकते हैं। तो नंबर को हम चार तरीके से लिखते हैं, पहला इंटीजर, लॉन्ग एंड डबल। उसके बाद अगर आपके पास ट्रू फॉल्स है तो हम लोग करते हैं डिम, जैसे एम एज ए बुलेन, हम बुलेन नंबर बुलियन नंबर इसको बोलते हैं, डाल देते हैं, जिसपे हम सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स ही स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद आता है अगर डेट एंड टाइम है तो आप कर सकते हैं डिम एम एज ए डेट, डेट में टाइम भी आ जाता है। तो डेट एंड टाइम स्टोर करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि आप एम इक्वल टू है ना, इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वहां यहाँ पे 1-Jan 2017, इस तरह से भी लिखोगे तो वो डेट को कन्वर्ट कर लेगा। समझ गए? यस सर। अब दूसरा आता है, अगर आपको स्ट्रिंग करना है तो डिम
जैसे कि एम एज ए स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग पे आप कुछ भी डाल सकते हैं, कोई भी डेटा को डाल सकते हैं, लेकिन वो टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा, उस पे वो कैलकुलेशन नहीं होगा। जैसे कि नॉन कैलकुलेटिव जितने भी डेटा है वो आप स्ट्रिंग पे डाल सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आपको कुछ समझ में ना आए क्या डालूं क्या ना डालूं, तो आप एक कर सकते हैं डिम एम एज ए वेरिएंट, या फिर डायरेक्ट एम भी लिखोगे। इसलिए हमने सबसे पहले डायरेक्ट एम लिख दिया था ना ऊपर में, जैसे के लिख दिया के इक्वल टू 10, तो वो डायरेक्ट वो वेरिएंट हो जाता है। तो वेरिएंट क्या होता है इस चीज को जान लीजिए। वेरिएंट होता है कि जैसी वैल्यू आप डालोगे वो अपने आप को उसी में कन्वर्ट कर लेगा। क्लियर है? और स्ट्रिंग डालेंगे तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेगा। हाँ, अब सोच रहे होंगे जब मेरे पास एक ऑलराउंडर है तो मैं ये सब क्यों आगे क्या मैं इतना करूं, मैं डायरेक्ट हर जगह वेरिएंट ही इस्तेमाल करूं क्या? यस सर। जो वेरिएंट अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है तो मैं इतना झमेला क्यों पालू, मैं डायरेक्ट हर जगह वेरिएंट ही इस्तेमाल करूं, तो या फिर मैं डिफाइन ही ना करूं, डायरेक्ट के लिख देता हूं, ये भी वेरिएंट होता है। लेकिन डिफाइन किसी फंक्शन वगैरह में आपको डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो बाउंडेशन हो जाती है कि डिफाइन करना ही, तो बिना डिफाइन के हर जगह नहीं चल सकते, इसे डिफाइन करना आना चाहिए। दूसरा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर में कुछ भी होता है तो एक स्पेस कैप्चर करता है, आप कुछ भी करते हैं तो एक स्पेस को कैप्चर करता है, ठीक है? यस सर। तो जैसे कि हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो क्या करते हैं, सिस्टम पे एक टेम्पररी सेविंग लोकेशन क्रिएट करता है। तो इसमें बाइट जो होता है 1 byte का होता है, इंटीजर 2 byte का होता है, बुलियन भी 2 byte का होता है, लॉन्ग 4 byte का होता है, डबल आई थिंक 8 या 16 byte का होता है। तो हर चीज अपना अपना स्पेस है, तो वेरिएंट जो है सबसे हाई होता है, इसका सबसे ज्यादा स्पेस कैप्चर करता है। तो आप बोलेंगे सर बाइट में कोई करता है, हमारे पास जो जीबी में टीबी में डेटा है स्टोरेज है तो क्या फर्क पड़ता है? तो देखिए, एक जो सब्जेक्ट आप बनाते हैं, एक जो मैक्रो बनाते हैं, उसका एक ए है, लिमिटेशन है कि उसकी साइज की लिमिटेशन है कि उसकी साइज जो है आप जो है ज्यादा से ज्यादा 255 KB तक ले आ सकते। 255 KB से ज्यादा अगर आप ले जाते हैं तो प्रोसीजर टू लार्ज का डेटा देगा और एरर देगा और आपका काम नहीं होगा, समझ गए? यस सर। तो इसलिए साइज होनी चाहिए। उसके बाद ये तो हो गया डेटा स्टोरेज का लिए। एक आता है डिम, आर एज ए रेंज। हम रेंज अगर किसी पर्टिकुलर रेंज को हम लोग क्या करते हैं एक्सेल में नाम दे देते हैं ना, कि जो रेंज है डिफाइन नेम दे देते हैं। तो वीबीए में आप क्या कर सकते हो कि रेंज डिफाइन करके सेट कर सकते हो कि सेट आर इक्वल टू रेंज A1 से D10। तो इसका इस्तेमाल कब होता है, जैसे डायनेमिक रेंज वगैरह यूज करते हैं ना, उसमें हम लोग बहुत तीजम करके रेंज ऑटोमेट ऑटो नेम सिलेक्ट करते हैं। Yes, sir. तो वहां पे मान लो कि उसी रेंज पे 10-15 जगह पे हमें वर्क करना है, दिक्कत हो जाएगी ना। तो उस केस में हम इसका सिलेक्ट करते हैं, ऐसे इस तरह से करते हैं ताकि हमें हर जगह पे नेम सिलेक्ट करने की जरूरत ना पड़े। दूसरा है, इसमें जरूरी नहीं कि हम एक और आता है कि हम ये भी कर सकते हैं कि डिम एक और है, मान लीजिए कि O as object। Object होता है जब Excel से बाहर का कोई डेटा लेना चाहते हैं, इसे यूज़ हम लोग कनेक्टिविटी के लिए आगे बताएंगे एग्जांपल में, कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है? कनेक्टिविटी के लिए आपको हम बताएंगे जब एक डेटा को दूसरे डेटा से हम कनेक्ट करेंगे
डेटाबेस वगैरह, तो उस केस में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है सर। यस सर। ऑब्जेक्ट दूसरा है कि आप यही नहीं, आप सिर्फ डेटा ही नहीं, आप एक काम भी असाइन कर सकते हो। जैसे कि मैंने बोल दिया कि सेट w इक्वल टू शीट्स डॉट एड, ठीक है, और यहां कर सकते हैं विथ w डॉट नेम इक्वल टू जैन डॉट मूव, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, या आगे चलकर मैं बताऊंगा आपको। तो एक आप डेटा भी स्टोर कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकते हो, और एक प्रोसेस को भी स्टोर कर सकते हो, मतलब एक काम एक इवेंट को भी आप असाइन कर सकते हो। जैसे एक इवेंट पे आपको कई सारे काम करने हैं, तो यहाँ पे ऐड यहाँ कर दीजिए, इवेंट असाइन कर दीजिए, जो जो चीजें करनी है वो चीजें आप यहाँ पे कर दीजिए। समझिए सर, यस सर। तो ये हो गया। अब इसको ज्यादा डिटेल में जानना होगा तो आप अपने ड्राइव में देखेंगे, आपको एक बुक मिलेगा, सबसे नीचे आइएगा ड्राइव में, तो एक पीडीएफ बुक मिलेगा, जॉन वॉकर विच का एक पीडीएफ बुक है, राइट। यस सर। उस बुक के पेज नंबर 199 में चले जाइए, और उस 199 पेज में आपको वेरिएबल्स का पूरा लिस्ट है, ठीक है। यस सर। तो एक बार उस वेरिएबल्स के लिस्ट को आप अपने हिसाब से देखिए, और उसके आसपास के मतलब दो चार पेज पीछे का और दो चार पेज आगे का पढ़िए, ठीक है सर। ठीक है ना। उसके बाद हम आगे डिस्कस करें। सर मैं ये कह रहा था कि जैसे हम लोग डेटा को एक सीट से दूसरे सीट में सेंड कर रहे हैं, तो उसको एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में भी सेंड कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, बस क्या करना है, वर्कबुक का नाम पहले लिख देना, क्या करना चलो दोनों वो तो ओपन होना चाहिए ना है। दोनों हाँ ओपन होना चाहिए, ओपन ओपन नहीं है तो ओपन करवा लीजिए। okay. सर मैंने डेटा एक यो प्रोजेक्ट भेजा था तो आपने चेक किया था? हाँ किया था, ठीक है। तो आप लोग जो है बुक नंबर 199 के पेज को पढ़िए,